नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इमरान खान वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन यूएन में जो उन्होंने भाषण दिया, जो तकरीर जो उन्होंने की, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने वाला है और इमरान खान की राजनीति में उन पर क्या असर होने वाला है, आज खबरों की खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में एक अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा चल रहा है। वहाँ के जो खास करके जो आर्मी के द्वारा प्रायोजित जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन भाषण दिया और वो उन्होंने मोदी की जो है उन्होंने बिल्कुल सारे सवालों का जवाब दिया और अब तक के पाकिस्तान में जितने भी लोगों ने भाषण दिए हैं वो सबसे बेहतरीन रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? तो हकीकत ये है कि इमरान खान बेसिकली वो नकलची हैं। वो हर चीज़ मोदी की नकल करते हैं, चाहे कोई भी उनकी पॉलिसीज़ आप देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ हवाई अड्डे के बाहर, वैसे वहाँ भी हुजूम पहुँचा। ये बात और है कि जो इस हवाई जहाज़ से वो गए थे वो ख़राब हो गया था बीच में ही, तो उनको कमर्शियल फ्लाइट से जो है आना पड़ा वापस। तो जब वहाँ पहुँचे तो जिस तरह से मोदी साहब ने एक भाषण दिया था एयरपोर्ट के बाहर, तो इनका भी मंच जो वहाँ सज गया। लेकिन ये जितने लोग दो दिन तीन दिन से वो भाषण दे रहे थे कि बहुत बड़ी जो है सफलता हासिल कर ली है, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीत दिया है, उसका पंक्चर सबसे पहले इमरान खान ने ही निकाल दिया। वो अपने भाषण में ही वो कहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन वो रखें, लेकिन हम अपने रास्ते से अलग नहीं होने वाले हैं, हम हमेशा कश्मीर के लोगों के साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 7-8 दिन जो उन्होंने पूरा जो कसरत किया न्यूयॉर्क में और यूएन में, उसकी सच्चाई उन्होंने साफ साफ बता दी कि उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, बुझाने की, वर्ल्ड ओपिनियन को बनाने की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। और इसका सबूत वही कि जिस तरीके से आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर में ये 15 वोट भी ऊपर नहीं कर पाए रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए। तो ये तो बात इमरान खान की फेलियर की हो गई। लेकिन मुसीबत क्या है? इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने के बावजूद क्या इमरान खान की राजनीति में, वहाँ की कोई हकीकत में जो ज़मीनी स्तर पर है, उसमें कुछ बदलाव आने वाला है? सबसे रिमार्केबल बात यह है जो हर आदमी को नोट करना चाहिए, और पता नहीं हिंदुस्तान की मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं उठा रही है, कि जब से इमरान खान वापस लौटे हैं, या यूं कहें कि जब से इमरान खान ने भाषण दिया, मतलब 27 तारीख से अब तक, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ना एक ट्वीट हुआ है, ना एक बयान आया है, ना ही बाजवा ने कुछ किया है, ना ही उसके प्रवक्ता ने, कोई बिल्कुल सन्नाटा है। वैसे होता क्या था कि इस तरह की जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कुछ भी होता है, सरकार अगर कुछ करती है या हिंदुस्तान की सरकार करती है या पाकिस्तान की सरकार करती है, तो वहाँ की आर्मी सबसे पहली वो अपना बयान वो जारी करते हैं। नॉर्मल कोर्स में तो यही होना था कि बाजवा खुद जो है वो सामने आते और वो कहते 27 तारीख के बाद, एक घंटे बाद, दो घंटे के बाद ही, कि इमरान खान ने पाकिस्तानियों के दिलों की बात उन्होंने यूएन में रखा है और जिस तरह से इस्लाम और इस्लामोफोबिया और कश्मीर की बातें कही हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा हो क्या रहा है वहाँ? तो वहाँ ये हुआ कि वहाँ पे एक लीडर हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम एक पार्टी है, इस्लामिस्ट पार्टी है, उसके फजलुर रहमान चीफ हैं, उन्होंने कहा, पब्लिक बयान है कि इमरान खान यूएन में जाकर कश्मीर को बेच आए। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये जो पार्टी है इसको जो वहाँ जो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है उसमें बहुत इसकी साख है, उसके लोग उसे पसंद करें, इस्लामिक पार्टी ही है बेसिकली। और उसने क्या आरोप लगाया है कि इमरान खान पाकिस्तान को यूएन में जाकर के बेच आया क्योंकि दुनिया का ओपिनियन वो बदलने में कामयाब नहीं रहे। दूसरा बयान आया जो बिलावल भुट्टो का है, जैसे राहुल गांधी यहाँ हैं वैसे ही वहाँ युवराज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी यही कहा कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, आपने 50 मिनट समय बर्बाद भी किए
और उसमें आधा से ज़्यादा वक्त जो है आप इस्लाम और एक मौलाना की तरह जो है इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करते रहे। तो पहला प्रॉब्लम जो बिलावल भुट्टो का है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपने 50 मिनट लिया तो आपको 50 मिनट पूरा का पूरा जो है कश्मीर के ऊपर बातचीत करनी थी, दुनिया को बताना था कि कैसे हिंदुस्तान का जो ये पोजीशन है वो इल्लीगल है। बात तो नोट करने वाली है क्योंकि इमरान खान वो सारी बातें उन्होंने की लेकिन हिंदुस्तान ने जो आर्टिकल 370 हटाया है वो एक इल्लीगल कदम है, वो उस पर इमरान खान का भाषण नहीं था। इसी तरह से आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी है, वैसे ये तो जेल में है लेकिन इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पे जाकर के साफ साफ कह रहे हैं कि इमरान खान का ये जो पूरा यात्रा रहा वो बिल्कुल फेल रहा, इसमें कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं होने वाला है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, सेमिनार्स किए, लेकिन इवन जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आपने इसको एक मुस्लिम इशू उठाने बताने की कोशिश की पूरी दुनिया के सामने, लेकिन जो मुस्लिम देश भी जो हैं वो भी आपके साथ वो खड़े नहीं हैं। तो ये पॉलिटिकल स्तर पे है लेकिन इससे क्या होने वाला है, मुसीबत क्या है? तो अभी इमरान खान के भाषण की वजह से और मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी पे पहुंच चुके हैं कि उन्होंने बहुत एकदम अमिताभ बच्चन की तरह उन्होंने भाषण दिया, डायलॉगबाजी की यूएन जनरल असेंबली में। मैं आपको बता दूं कि यूएन जनरल असेंबली जो है बेसिकली एक डिबेटिंग क्लब है, दुनिया का सबसे बड़ा। वहाँ लोग भाषण देते हैं, भूल जाते हैं कुछ, इसमें कुछ ना कुछ फैसले होते हैं, ना कोई रेजोल्यूशन पास होता है, ना कोई आदेश आता है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में ज़रूर हुआ है इस भाषण के बाद कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन अब समस्या कहाँ इमरान खान को होने वाली है जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल से डिप करेगी, वो ये कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ अब एक्शन ले। अब हो क्या रहा है, लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने तो 370 को हटा दिया, 35 भी हटा दिया, पूरी जगह जो है वहाँ पे अपना जो है अपने अख्तियार में ले लिया पूरे के पूरे कश्मीर को, और आप यूएन में जाकर के पूरी दुनिया में जाकर के आप ये कह रहे हैं भाई कर्फ्यू हटाओ, कर्फ्यू हटाओ, कर्फ्यू हटाओ। आपने बातचीत कर ली, आपने पहले ही कह दिया कि भाई वॉर जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि वो वॉर करे, तो अब क्या करेंगे? बातचीत हो गई, ढोल पिटा लिया, वर्ल्ड कप आ गया और उसके बाद फिर शांति? ये शांति जो है वो इमरान खान की पार्टी और उसके लोग तो इसको कह सकते हैं, लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ये हो रहा है कि जितना जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के सोसाइटी में वो गल्वनाइज हो रहे हैं। उनको पसंद नहीं आ रहा है कि इमरान खान जिस तरह की तकरीर करके आए हैं और बिना समर्थन के, आप मुस्लिम उम्मा में जो है आपको ज़रा सा भी उस पर सपोर्ट नहीं मिला। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतर हो, बहुत सारे कंट्रीज़ जितने भी हैं उसमें आपको समर्थन नहीं मिला। तो अब पाकिस्तान का ये जो रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, इन लोगों ने एक नया ऐलान किया है। वो ऐलान जो है वो अजीबोगरीब है। इसमें ये सारी पार्टियां जो विपक्ष में हैं, चाहे वो फजलुर रहमान की पार्टी हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, ये सब पीओके से एक मार्च निकालने वाले हैं। हालांकि वहाँ पे ऑलरेडी पीओके में वो प्रदर्शन चल रहा है कि उनका ये कहना है कि भारत ने जो है एक इल्लीगल कदम उठाया है और ये लोग बॉर्डर तक आएंगे भीड़ बनाकर, जुलूस बनाकर के। तो वो जो पीओके में जहाँ जहाँ वो रैलियाँ चल रही हैं वहाँ पे मारपीट हो रहे हैं, पुलिस के साथ भिड़ंत हो रहा है, क्योंकि आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस माने इमरान खान की सरकार वो नहीं चाहती है कि ये लोग वहाँ बॉर्डर तक मार्च करें। लेकिन आपने तो सोसाइटी को पहले ही, उनके उम्मीदों को और पूरा का पूरा आपने जिस तरह के भाषण दिए, आपने तो उन्माद फैला दिया है पाकिस्तान के अंदर में। लोग तो उन्मादी हो चुके हैं भाई कश्मीर को किसी तरीके से वापस लाना है, और जब ये लोग मार्च कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में, रोज़ झड़प हो रही है, और ये बताया जा रहा है कि एक दो दिन के अंदर ये सारी विपक्षी पार्टियां आपस में मिलके वो एक मार्च करने वाली हैं, और वो जो पीओके के अंदर मार्च करते करते वो एलओसी तक आएंगे। और अगर
ये उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में ये लोग जो है कश्मीर LOC के तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये है कि इमरान खान को इन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। वो अगर LOC तक पहुंचते हैं तो क्या होगा ये उनको भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि 10 लाख की भीड़ को आप कंट्रोल कर पाएँ, वो अचानक क्रॉस करने लग जाएँ, यहाँ कुछ हंगामा हो जाए, तो इंडियन के साइड से तो रिटेलिएशन तो होगा ही। हम किसी भी पाकिस्तानी को LOC के अंदर घुसने नहीं देंगे, ये तो बात तय है। तो अब इमरान खान के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इसकी वजह और इसका जो मूल कारण है वो इमरान खान की पोस्चरिंग है। ये अपनी जनता को एक तरफ तो कश्मीर के मुद्दे पे उनमें जो है उनके साथ उनके इमोशंस को भड़काते हैं, उनकी भावनाओं को जो है भड़काते हैं, उन्मादी जो एलिमेंट है वो भड़क जाते हैं, और पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर में ये एक माहौल इमरान खान ने बना दिया है कि हम मर मिटेंगे, हम जान दे देंगे लेकिन कश्मीर को जाने नहीं देंगे। लेकिन जब ऑन ग्राउंड हकीकत में जब एक्शन लेने की बात आती है तो इमरान खान जो है वो बिल्कुल दुबक जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा हिंदुस्तान को हुआ है वो ये कि ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं कश्मीर के वैली में, ये लोग पूरी तरीके से डिमोरलाइज्ड हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स और ख़ास करके वो से वैसे लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये लोग डेडलाइन दे रहे थे कुछ दिन पहले तक कि 27 तारीख के बाद बहुत हंगामा होगा कश्मीर के अंदर, 27 तारीख तक जो है कश्मीर के लोग जो है और सेपरेटिस्ट जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार UN में भाषण हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान की पोजीशन समझ में आ जाएगी तो यहाँ कोहराम मच जाएगा और हिंदुस्तान की सरकार उस कोहराम को रोक नहीं पाएगी। 27 खत्म, 28 खत्म, 29 खत्म, आज 30 है, कुछ नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो पूरा जो एलिमेंट है जिहादी एलिमेंट जो कश्मीर के अंदर में बैठा हुआ है, इनको ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा तोप छोड़ने वाला और पूरी मुस्लिम मुमालिक जो है, जो मुस्लिम कंट्री है, जो मुस्लिम उम्मा है, वो सब लोग कश्मीर के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो चुके हैं। पैसा पहले ही बंद हो गया है, सिस्टम जो वैसा लगा दिया गया है, सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट बंद है, और सही है, उसको बंद अभी होना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रोपेगेंडा करने का जो पूरा जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया है। तो कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि भाई जो इमरान खान साहब ने खुद UN जनरल असेंबली में कहा कि एक बार कर्फ्यू हट जाए तो खून की नदियां बहेंगी, कुछ नहीं बह रहा, और यही दिक्कत इमरान खान के लिए उनके गले की हड्डी जो है वो बनेगी। वो बिल्कुल ही वो समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई वो अब क्या करेंगे। एक तो कश्मीर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो विपक्ष है वो एबनॉर्मल होता चला जा रहा है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन सारे सिचुएशन में इमरान खान आर्मी की नज़र में बिल्कुल एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनको लगता है कि अगर ये आदमी ज़्यादा दिन तक वहाँ पे कंटिन्यू करता है तो आर्मी की साख भी जो है वो उस पर बट्टा लगने वाला है। तो पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब सिचुएशन बन रही है जिस पे हमारी नज़र जो है बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।